नहीं करवा रखी है भाई ने, देखिए। और DRL का भी कलर चेंज होता है भाई, एक बार ये कलर चेंज करके दिखा देना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की मोटिवेशन दिखाएंगे स्विफ्ट में। भाई स्विफ्ट ऐसी वैसी स्विफ्ट नहीं है भाई, बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। और भाई बेस मॉडल लिया था भाई ने और भाई टॉप मॉडल करवा दिया है। ऐसा कोई काम नहीं बचा जो गाड़ी में ना हुआ हो। इंटीरियर ले लो, एक्सटीरियर ले लो भाई, बॉडी किट ले लो, लाइट्स ले लो भाई, हर एक चीज। यानी कि तुम मानोगे नहीं कि भाई सीटें भी इलेक्ट्रॉनिक लगवा दी भाई ने। भाई बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। और भाई जो अंदर स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो तो हटवाई दिया, आईपैड लगवा लिया भाई ने। भाई बहुत बढ़िया काम करवा रखा है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलवाते हैं भाई से, दिखाते हैं भाई की गाड़ी। भाई बहुत बढ़िया बना रखी है और साथ में साथ ग्राफिक्स भी करवा रखे भाई, बहुत बढ़िया वाले। चलो भाई भाई। जैसे कि आज बताया था, स्विफ्ट दिखाएंगे, पहले ओनर से मिलो। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जी। भाई गाड़ी तो भाई बहुत जबरदस्त बना रखी है भाई। मॉडल की बात की जाए तो भाई मॉडल कौन सा है गाड़ी का? भाई ये 2019 LXI वेरिएंट है। LXI वेरिएंट है तो भाई ये कन्वर्ट तो आपने किसी और चीज में कर रखी है, मेरे को लग रहा है ऐसे। स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट कर रखी है। सही बात है, ये पूरी स्पोर्ट्स लुक दे रही है, स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट कर रखी है। तो भाई एक बात बताओ, उसमें फ्रंट में क्या क्या करवा रखा है आपने? भाई कार की स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं 2019 में, जब ये ली थी इसमें पहले दूसरा बम्पर आता था। हाँ। ठीक है, अब हमने स्पोर्ट्स का बम्पर डलवाया हुआ है। देखो कितना पूरी स्पोर्ट बॉडी किट डली हुई है पूरी गाड़ी में, फ्रंट बैक दोनों। हाँ, है ना भाई, बैक दोनों और साइड स्कर्टिंग, साइड स्कर्टिंग्स भी। हाँ ठीक है। और बस आगे स्प्लिटर ऐड ऑन करा रखे हैं और एक ग्राफिक ऐड ऑन करा रखे हैं। स्प्लिटर भी ऐड ऑन करवा रखा है, साथ में ग्राफिक्स करवा रखा है। देखो कितने बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, मतलब कहीं से उतर नहीं रहा, इतने बढ़िया तरीके से काम करवा रखा है। और भाई लाइट्स की बात की जाए तो लाइट्स तो नहीं आती उस मॉडल में। नहीं, उस मॉडल में लाइट्स भी नहीं आती थी, मतलब प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी नहीं आती थी, प्लस फॉग लैम्प भी नहीं आता था, वो भी सारी चीज़ें लगवाई हुई हैं। देखो उसमें डैमो नहीं करवा रखी है भाई ने, देखिए। और DRL का भी कलर चेंज होता है भाई, एक बार ये कलर चेंज करके दिखा देना। कितनी बढ़िया लुक दे रहे, देखो रेड पे रेड आंख कितनी बढ़िया लग रही है, रोशनी बहुत ज़्यादा और ये इसलिए आपको दिख नहीं रही है। देखो ये चेक करो भाई, कितनी बढ़िया लुक देती है। और रात में तो भाई इसकी बहुत ही तगड़ी लुक आती है। और भाई जैसे नीचे में आ जाए, नीचे IPH लगा रखा है ना आपने? नीचे भाई IPH लगा रखा है विद 130 वाट की LED। तो भाई उसका रिस्पॉन्स कैसा है? भाई मैं हेडलाइट नहीं जलाता, हेडलाइट नहीं, ये तगड़ा है। ये भी बात सही है। तो भाई क्या कॉस्ट आ जाती है इसकी फ्रंट हेडलाइट्स की? भाई फ्रंट हेडलाइट्स की मैंने उस टाइम पे कराई थी ये करीब करीब नॉर्मल, मतलब उस टाइम पे मैंने सिर्फ डायमंड करवाई थी, तब मेरे को 14,000 रुपए की पड़ी थी। अब उसके बाद RGB कराओगे तो RGB का अपना एक खर्चा आता है, RGB DRL का, वो 7,000-8,000 रुपए के आसपास आ जाता है। तो टोटल अप्रॉक्स मिला के 20,000-22,000 रुपए की हेडलाइट पड़ जाती है, सेकेंड हैंड हेडलाइट्स होती है। अच्छा, ब्रांड न्यू नहीं होती है। अच्छा, तो भाई ये जैसे IPH लगवा रखे तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाती है? IPH की भैया करीब करीब 2,500-3,000 रुपए, और LED अलग अलग रेट, LED अलग रेट्स है। और जो आपने ये बॉडी किट लगा रखी है इसकी?
भैया अब तो बॉडी गेट सस्ती हो गया, मैंने तो उस टाइम पे बहुत महंगी लगाई थी, मैंने अलग अलग बम्पर परचेज किए थे। अच्छा, मैंने पहले जो मेरे को कई टाइप से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा, मैंने फ्रंट पहले फ्रंट बम्पर दिलवाया था। अच्छा, मैंने सिर्फ फ्रंट बम्पर इसका 19,000 रुपए का ले रखा। ओ भाई साहब, अब तो मेरे हिसाब से किट इतने की होगी है पूरी? नहीं, अब किट हो गई करीब करीब 23-24 हजार रुपए की, 23 टोटल किट आती है पूरी किट। मैंने बैक बम्पर इसका 11-12 हजार रुपए का लिया था और ये 19,000 रुपए का लिया था, साइड कटिंग्स अलग ली थी मैंने। चेक करो कितनी बढ़िया लुक है। तो भाई आज साइड प्रोफाइल में चलते है। तो भाई साइड प्रोफाइल में भाई अलॉय डलवा रखे है। भाई कितने इंच के अलॉय डलवा दिए? 17 इंच। 17 इंच के? तो भाई कंपनी तो बहुत छोटे देती है भाई, हमने तो 14 इंच की रिम देती है। ओ भाई 14 इंच की रिम देती है। तो यार ये कहीं टच वगैरह नहीं होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं होती यार। नहीं, ये भी सही है। तो भाई टायर साइज क्या है इसका? भाई 215/45/17। 215। तो भाई जैसे टायर स्टिकर लगा रखे ये सही रहते हैं या नहीं रहते? सही रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत याद नहीं, नॉर्मल एक दो कभी निकल जाते हैं तो दोबारा लगा लेते हैं पैसे की वैसे कमी नहीं है। तो और भाई ये M3 वाला मिरर करवा रखा है, साइड मिरर। और भाई ये भी मैट्रिक्स में? भाई इसमें इंडिकेटर भी चलते हैं या सिर्फ व्हाइट लाइट चलती है? मैट्रिक्स इंडिकेटर चलते हैं, नॉर्मल वाली में जैसे इसके अंदर साइड मिरर्स भी नहीं आते, LXI मॉडल में साइड मिरर्स भी नहीं आते, नॉर्मल वो कवर से आते हैं। तो मैंने इसके अंदर साइड मिरर भी वैसा लगवाया हुआ है जैसे VXI में नॉर्मल इंडिकेटर आता है, मेरे में मैट्रिक्स वाला लगा हुआ है। कुछ अलग करना था दुनिया से तो ये मैट्रिक्स वाला इंडिकेटर है, प्लस ये M3 वाला ये है। हाँ, किसी को लग रहा हो कि ये VXI ZXI मॉडल है तो पता लग जाएगा इससे कि LXI मॉडल है। ये हमने बैचिंग इंडिकेटर हटा के हमने बैचिंग दे रखी है बहुत बढ़िया सी। और भाई ये ग्राफिक्स कौन सा बनवा दिया आपने? ये भाई ग्राफिक्स का कहाँ से दिमाग में आया कि भाई ये ग्राफिक्स बनवाना है आपने? भाई एक्चुअली क्या था कि मेरे को कुछ अलग करना था, रैप रूप सारे करते हैं, मेरा भी प्लान था कि मैं रैप कर सकता था, आगे चल के क्या पता रैप भी कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये था कि कुछ यूनिक करना था एक बारी, सही ये सबसे हटके करना था तो ये सोचा तो ये करा है। भाई ग्राफिक्स तो भाई बहुत तगड़ा। तो भाई ग्राफिक्स की क्या कॉस्ट पड़ जाती है? भाई ये ग्राफिक्स करीब करीब मेरे को पड़ा था 15,000 रुपए के आसपास। 15,000 रुपए का दोनों साइड का? हाँ, दोनों साइड का। भाई इससे लुक तो मतलब गाड़ी की पूरी ही चेंज होगी, वैसी बढ़िया लगती थी रेड कलर में और अब बड़ी कॉन्ट्रास्ट हमने रेड और ब्लैक में रखा है, इसलिए वो प्रॉपर वो करा था। सही बात है। और भाई जो अलॉय प्लस टायर क्या कॉस्ट पड़ जाते हैं? अलॉय प्लस टायर भैया मैंने उस टाइम में लिया था 55,000, पता नहीं 55-60 हजार रुपए के आसपास पड़े थे। अच्छा अच्छा, तो आज भाई बैक प्रोफाइल चेक करवाते हैं। भाई ये देखो सबसे पहले लगवा रखा है भाई ने स्पॉइलर, बैटमैन स्पॉइलर। तो भाई बैटमैन स्पॉइलर क्या कॉस्ट पड़ जाता है? भाई बैटमैन स्पॉइलर की कॉस्ट होगी 4,500-5,000 रुपए का विद पेंट। ये सबसे पहली गाड़ी है जिसमें बैटमैन स्पॉइलर इंस्टॉल हुआ है। ये तो बात सही बात बोल रहे हो। स्विफ्ट की सबसे पहले यही है, सबसे पहले दिमाग वैसे ही लगाया था कि बैटमैन स्पॉइलर डालना है गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले मेरी गाड़ी पे कस्टमाइज हुआ है, सबसे पहला मैंने डाला पूरे। और भाई क्या क्या चीजें करवा रखी है जैसे लाइट चेंज है? हाँ भाई टेल लाइट वाली डाली हुई है इसमें, टेल लाइट। तो भाई ये क्या कॉस्ट पड़ जाती है? नॉर्मल है भैया 11-12 हजार रुपए के आसपास, अलग अलग रेट इसका वेरी करता है। अच्छा, और जैसे कि बताया था हमने पीछे पूरी बॉडी किट लगी है, तो भाई पूरी बॉडी किट, ये बम्पर भी आता है बॉडी किट में और नीचे स्पोर्ट्स की बैजिंग दे रखी है। तो और भाई मेन क्या है इस गाड़ी में ना, एग्जॉस्ट भी लगा है। तो भाई एग्जॉस्ट की साउंड चेक करवाते हैं आपको। भाई एग्जॉस्ट चला दो, भाई साउंड चेक करना बहुत ही बढ़िया आती है इसकी। अभी तो बंद साउंड चेक करो। इतनी तेज साउंड करवा रहा है तो उससे एवरेज वगैरह का भी फर्क पड़ता है क्या? बीच में जैसे देखा था क्रैकल भी बज रहे थे इसमें। हां वो नॉर्मल, अगर आपका पाइप गरम होगा तो नॉर्मल एक क्रैकलिंग साउंड आती है। अच्छा, क्रैकलिंग साउंड आती है। तो भाई ये क्या कॉस्ट पड़ जाता है? ये नॉर्मल है भैया, वैसे मेरा नॉर्मल है स्ट्रेट पाइप है, तो ये करीब-करीब पड़ जाते 20-25 हजार रुपए के आसपास। तो भाई चेक करो, भाई बहुत बढ़िया साउंड करवा रखी है। आओ अंदर से चेक करवाते हैं, एक बार झलक मरवा देते हैं भाई। ये लगा हुआ, आओ बाकी अंदर से दिखाते हैं। भाई अंदर बहुत बढ़िया काम हो रखा है। देखो भाई अंदर से चेक करो, भाई अंदर भाई ने आईपैड ही लगवा दिया। देखो
आओ भाई अंदर बताओ अंदर में क्या क्या करवा रखा है आपने। अंदर भाई पहले तो VXI की सीट्स लगवा रखी है, ZXI जो ZXI टॉप मॉडल की सीट आती है ना, इसमें नॉर्मल आती है विदाउट हेडरेस्ट विदाउट हाइट एडजस्टेबल। अच्छा इसमें विद हाइट एडजस्टेबल सीट्स है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें 70 मैटिंग करवाई हुई है मोडेस्टो कंपनी की प्रॉपर। अच्छा मेरे भाई की अपनी कंपनी है। अच्छा तो प्रॉपर वो करवा रखी है। अंदर आईपैड लगाया हुआ है, मीटर तक चेंज है गाड़ी का, मीटर भी चेंज करवा रखा है। तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते, स्टीयरिंग कंट्रोल्स लगवाए हुए हैं। तो भाई ये जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल लगवा रखे हैं सारे वर्किंग होते हैं? हाँ सब कुछ वर्किंग। और जैसे मीटर लगवाए इसमें कोई तार वगैरह भी कटी थी या कुछ भी नहीं? कपलर टू कपलर, कपलर टू कपलर। प्लस नॉर्मली लोग सारी चीजें करा लेते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल है, ये भी लगा लेंगे, ये भी। ये फॉग लैंप वाला बटन कोई नहीं लगाता। ये देखो भाई फॉग लैंप वाला बटन भी लगवा रखा है भाई ने। भाई ने काम तो ऐसे एवन करवा रहा है पूरी गाड़ी में। तो आओ भाई अंदर सिस्टम में भी सुनाते हैं भाई ने क्या क्या करवा रखा है। और ये देखो सारी, ये भाई डिपिंग करवा रखी है या ये भाई कार्बन फाइबर डिप है? डिप करवा रखा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और भाई और बताओ सिस्टम में क्या क्या करवा रखा है? भाई सिस्टम में अभी तक है कि 4 मैटेरियल जली हुई है सिल्वेस्टर डेवॉन्स की, ठीक है। TS20 हो गए और एक स्पंक ऑडियो का वूफर डला हुआ है। वो कितने RMS है? वो है 1000 RMS का। 1000 RMS का, हाँ। अच्छा तो एम्प भाई कितने लगवा रहे? अभी 2 amp है। अभी इसके बाद प्लान है कि 3rd amp करने के बाद 2 mid-range पीछे डिग्गी में और आएंगे अभी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और लाउड सेटअप हो जाएगा इसके बाद, और शायद एक TS20 का पेयर और आएगा। तो भाई जैसे अपने iPad लगा रखा है, ये लगा किस चीज के ऊपर रखा आपने? भाई ये नॉर्मल है, ये कवर से लगाया हुआ है नीचे। अच्छा। मेरा स्टीरियो अपना 5290। अच्छा 5290 वैसे कनेक्ट ये उसके साथ ही है? हाँ ये कनेक्ट उसी के साथ है। तो भाई जैसे कि आपने देखा भाई ने जो जो चीजें बताई है, भाई साउंड तो बहुत तगड़ी आने वाली है। तो चलो आपको साउंड सुनाते हैं एक बारी। तो गाइस एक बारी साउंड चेक करो भाई, गाना प्ले कर दो। फिर भी थोड़ा अप्रोक्स एक आइडिया मान के चले आईपैड वगैरह के साथ मिला जुला के तो 80-90 हजार रूपए तो आराम से होगा। अच्छा 80-90 हजार रूपए में ऐसा सिस्टम? तो भाई चेक करो भाई बहुत बढ़िया सिस्टम लगाया। जिसको सिस्टम की साउंड ना पता लगी है वो हेडफोन लगा के जरूर सुनना। तो आज भाई से पूछवा देते हैं भाई ने गाड़ी में कितना पैसा खर्च किया। भाई गाड़ी तो बहुत बम बना रही है, देख रहे हो क्या ग्राफिक्स करवा रहा है, क्या बढ़िया तरीके से। भाई ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स कहाँ से करवाए थे आपने? एक ही कस्टम से? और ये फ्रंट वाले? तो भाई पूरी गाड़ी में कितना पैसा खर्च दिया? 3.5-4 लाख रुपए। देख रहे लो मॉडल लेके भाई ने 3.5-4 लाख रुपए कर दिए। तो भाई वीडियो को एंड करते, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना भाई गाड़ी कैसी लगी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।